जय हिंद साथियों, मैं बहुत बड़ा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल के कुछ संवैधानिक प्रावधान देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु उसमें हमने देखा कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ करके उसमें प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है। इसके बाद हमने जो अनुच्छेद देखा 153 के बाद 154, जिसमें राज्यपाल की जो राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियों का स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके साथ साथ हमने अनुच्छेद 163 देखा कि राष्ट्र राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक कौन होगी, राज्य मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद फिर 55 देखा, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कैसे, सारी प्रक्रिया देखी। 56 में उसका कार्यकाल देखा, त्याग पत्र देखा उसी में 56 में, तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर बना रहता है और इससे पहले चाहे तो वो त्याग पत्र दे सकता है, और 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है यदि नया राज्यपाल है वो उसको नियुक्त नहीं किया गया, उसने पद नहीं ग्रहण किया है, तो 5 वर्ष से अधिक भी वो पद पर रह सकता है। इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 157, जिसमें राज्यपाल की योग्यता है, क्या है 157 में हमने देखा उसकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 157 में केवल दो ही योग्यता है, कितनी है, दो। नंबर एक, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। और दूसरी देखी कि उसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। यह देखा हमने। इसके साथ साथ कुछ राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी सिफारिशें देखी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158। इसमें है राज्यपाल के पद की शर्त है, पद की शर्त है। देखो शर्तों में शर्तें दो तरीके की होती हैं, नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती हैं। तो शर्तों दो तरीके की हो सकती हैं, नेगेटिव यानी कुछ उसकी अधिकार कर्तव्य भी होते हैं। तो शर्तों में हम देखेंगे कि पहली तो शर्त यह है कि उसे वेतन कितना मिलेगा। तो देखो इसको जो वेतन मिलेगा वो वर्तमान में वेतन है 350,000, 3.5 लाख रुपए उसे जो, देखो वेतन होता है वो मंथली होता है, वेतन क्या होता है, मंथली होता है, और जो पैकेज होता है वो वार्षिक होता है। तो ध्यान रखना जो वेतन है वो कैसा है, मासिक है, मंथली है। तो उसे 350,000 रुपए क्या मिलेगा, वेतन। और ये वेतन मिलेगा वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। यानी राज्यपाल को जो वेतन प्राप्त होता है वो कहां से होता है, राज्य की संचित निधि से। तो वेतन कहां से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। दूसरी बात, उसे जो पेंशन मिलेगी, ध्यान रखना पेंशन, वो वेतन का कितना मिलेगी, वेतन का पहले तो 50% मिलेगी, कितनी मिलेगी 50%। परंतु ये पेंशन मिलेगी कहां से, तो पेंशन उसे जो प्राप्त होगी केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से। तो ध्यान रखना उसे जो वेतन मिलेगा राज्यपाल को वो कहां से मिलेगा,
राज्य की संचित निधि से क्यों मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल कहाँ कार्य कर रहा है, राज्यों में कार्य कर रहा है, राज्यों में सेवा दे रहा है, तो वेतन तो कहां से मिलेगा, राज्य से। परंतु जो उसे पेंशन मिलेगी, क्योंकि एक राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, किसका होता है, केंद्र का, तो जब राज्यपाल नहीं रहेगा तो उसे जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन कहां से प्राप्त होगी, केंद्र की संचित निधि से प्राप्त होगी। अब कई बुकों में या कई टीचर लिख रहे हैं कि उसके वेतन में उसके कार्यकाल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ये बात तो गलत है। हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी उसके वेतन को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, तो परिवर्तन तो हो सकता है, परंतु कैसा परिवर्तन नहीं हो सकता, नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन को क्या नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, बाकी बढ़ा तो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसा, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसमें, वेतन नहीं किया जा सकता। क्लियर, ये बात हुई। तो नकारात्मक परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसमें सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसके वेतन को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात देखो, हमने कहा था कि जब इसी अनुच्छेद 9 लिखे कि जब एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का क्या बनाया है, का राज्यपाल बनाया गया है। देखो, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का क्या बना दिया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो वेतन प्राप्त होगा, वेतन तो उतना ही प्राप्त होगा, वेतन उसे कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 350,000। उसके वेतन में तो बढ़ोतरी नहीं होगी, परंतु ये वेतन किस अनुपात में मिलेगा, राज्य किस अनुपात में देंगे, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, कि वो राज्य इस वेतन को किस किस तरीके से बंटवारा करेंगे, किस किस अनुपात में देंगे, कोई 1,00,000 दे सकता है, कोई 1,50,000 दे सकता है, मतलब उसमें जो रेशो होगा, अनुपात होगा, उसका निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ध्यान रखना, इसके वेतन में जो वेतन का निर्धारण कौन करती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज्यपाल का वेतन है उसका निर्धारण राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं करता, संसद करती है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन का निर्धारण, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण, वेतन का निर्धारण निर्धारण संसद करती है, कौन करती है, संसद करती है। तो उसमें ऑप्शन में आएगा कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण निम्न में से राष्ट्रपति करता है, संसद करती है, या राज्य विधानसभाएं करती हैं। तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। और दूसरी इसमें शर्तों में यह है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या है, इसी शर्तों में है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, इस शर्त में ही है कि वो किस पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए लाभ का पद क्या है। देखो, लाभ का पद वो है जिससे कोई राज्यपाल को या किसी को भी उससे कोई धन प्राप्त हो रहा हो, कोई पैसा मिल रहा हो, और जैसे कोई कंपनी है और उसमें सरकार का कोई शेयर है, 50% से अधिक कोई शेयर है, और उसमें वो किसी पद को धारण कर रहा है, किसी पोस्ट पर बैठा है, तो वो किसका पद माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। परंतु ध्यान रखना कि लाभ के पद में कौन शामिल नहीं है, शामिल नहीं है,
जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है, नहीं है। तो उनमें कौन कौन है मेरे दोस्तों? नंबर एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। नंबर दो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और नंबर तीसरा राज्यपाल, राज्यपाल को भी लाभ के पद से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया। और इसमें अगला देखें हम कि जो संघ के मंत्री हैं, क्या है? संघ के मंत्री। नंबर चार संघ सरकार के मंत्री, संघ के मंत्री। और नंबर पांच राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। ध्यान रखना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु इनमें से वो हो सकता है। राष्ट्रपति को लाभ के पद से बाहर रखा गया है, उपराष्ट्रपति को लाभ के पद से बाहर रखा गया है, और राज्यपाल और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य सरकार के मंत्री हैं, इनको पांचों को लाभ के पद से क्या रखा गया है? बाहर। देखो राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति आप जानते हैं सामान्यतः, अब राष्ट्रपति रहा है वो राज्यपाल का क्यों बनेगा? क्योंकि अब डिवोशन हो रहा है ना, अब अपने वैल्यू कम होगी, तो ये तो नहीं लड़ेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं बनेगा, राज्यपाल बनना नहीं चाहेगा। परंतु यदि मान के चलो कोई संघ का मंत्री है, क्या है? संघ का मंत्री है, और मंत्री रहते हुए उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, बाद में त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यदि किसी राज्य का मंत्री है, वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो इन पांचों को लाभ के पद से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। इन्हीं शर्तों में है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है कि वो किसी संसद का, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हुई साहब इसकी शर्त है। क्या हुई? शर्त है। अब देखते हैं 58 के बाद 159, जिसमें है राज्यपाल की शपथ पोथ प्रतिज्ञा। तो अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, इसमें है राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। क्या है? शपथ पोथ, शपथ है इसमें। किसकी? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो 159 में। देखो राज्यपाल शपथ कहां लेगा? तो राज्यपाल को जो शपथ है वो उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में वो राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस राज्य का जो हाईकोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उसको क्या दिलाएगा? शपथ। परंतु वो अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो उसी राज्य का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर न्यायाधीश होगा, वो उसको शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होने पर हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो देखो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? उस राज्य का जहां पर राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस राज्य का जो न्यायाधीश होगा, वो उन्हें क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। और अगर वो क्या है? अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश है, उसका सीजे है, वो क्या है? चीफ जस्टिस है, वो अनुपस्थित है, नहीं, बीमार है या किसी भी कारण से हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में
उस हाई कोर्ट का जो सीनियर जज होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को क्या दिलाएंगे? शपथ। तो राज्यपाल शपथ में ये शपथ दिलाएंगे, बाकी डीपली नहीं जाना। तो राज्यपाल ईश्वर की या जो भी शपथ लेता है ईश्वर की लेता है, विधि के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। दूसरी बात, अगर राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है या दूसरे राज्य का राज्यपाल एक साथ बनाया जा रहा है तो उसे पुनः उस राज्य में शपथ लेनी होगी, क्योंकि वो लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। क्या लेता है? लोगों के कल्याण की। तो उसे अगर अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है तो पुनः उसे शपथ लेनी होगी। ये हुई सारी उसकी शपथ। क्या हुई? शपथ। अब देखो 159 के बाद अनुच्छेद 160। देखो अनुच्छेद 160 क्या कहता है। 160 ये कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल को जो वर्तमान में जो कार्य उसे सौंप रखे हैं इनके अलावा कोई अन्य कार्य उसे दे सकता है, अन्य कार्यों का उपबंध कर सकता है। इनके अलावा जो कार्य कर रहा है उनके अलावा अन्य कार्य कौन सौंप सकता है? राष्ट्रपति। तो क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अन्य कार्य सौंप सकता है। तो अनुच्छेद 160 कहता है कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में राज्यपाल के पास कार्य हैं इनके अलावा और भी उसे कार्य और शक्तियां सौंप सकता है जो वर्तमान में हैं इनके अलावा। ये तो यही है। तो ये हुआ अनुच्छेद 160। ज्यादा हमें चर्चा नहीं करनी। अब देखो जो सबसे इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो है 161 और लास्ट अनुच्छेद भी है राज्यपाल के बारे में। बाकी इसकी शक्तियां पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद है 161 में क्या है मेरे दोस्तों? इसमें है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। तो देखो एक तो क्षमादान की शक्तियां इसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। क्लियर? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं। अब देखो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में? 161 में। इसी के साथ हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो है अनुच्छेद 72 में। किसकी है? राष्ट्रपति की। तो देखो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में थोड़ा सा हमें अंतर देखना पड़ेगा। तो देखो राज्यपाल राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति जो केंद्रीय जो संघ सूची है। क्या है? संघ सूची के विषय पर जो भी दंड दिए गए हैं उनको क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। पहला तो संघ सूची, दूसरा है सैन्य न्यायालय। क्या है? सैन्य न्यायालय। न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। और बाकी के किसी भी सूची पर दिए गए दंड को या मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, प्रतिलंब कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब राज्यपाल के लिए क्या प्रावधान है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, राज्यपाल सैन्य न्यायालय के बारे में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। या नहीं है? सैन्य न्यायालय के बारे में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यदि सैन्य न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो राज्यपाल उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा, कोई संघ सूची के विषय पर किसी को दंड दिया है तो उस मामले में भी राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता। तो राज्यपाल केवल
राज्य सूची के विषय पर दिए गए दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसे पूरी तरह माफ कर सकता है। किस सूची पर? अनुसूची पर, सॉरी राज्य सूची के विषय पर। अब बात करते हैं अगली कि मृत्यु दंड है। अब मृत्यु दंड राज्य सूची के विषय पर दिया गया है, तो देखो मृत्यु दंड को राष्ट्रपति कम भी कर सकता है, उसकी प्रकृति भी बदल सकता है और उस पर रोक भी लगा सकता है और उसे पूरी तरह माफ भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। परंतु राज्यपाल, अब कई बुकों में लिख रहा है कि मृत्यु दंड के संबंध में राज्यपाल को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है, राज्यपाल देखो मृत्यु दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसको रोक सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। देखो अब मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दी है, तो राष्ट्रपति फांसी की सजा को पूरी तरह माफ करके उसे घर भेज सकता है, परंतु राज्यपाल फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसे 10 साल कर सकता है, 20 साल कर सकता है, परंतु उसे पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, क्योंकि माफ तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ध्यान रखना, माफ कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। तो हम लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर दिए गए किसी भी प्रकार के दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है और उसे पूरी तरह क्षमा भी कर सकता है। तो नंबर 21 में राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर दिए गए दंड को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उस पर रोक लगा सकता है और उसे पूरी तरह माफ कर सकता है। ये है साहब ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, देखो दूसरा पॉइंट ये है कि राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर, देखो मैंने यहां दंड लिखा है, मृत्यु दंड नहीं लिखा है। दंड का मतलब उसे 10 साल की सजा या आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का मतलब फांसी। तो दूसरा पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर दिए गए मृत्यु दंड, इसको हम फांसी कह सकते हैं, फांसी को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, रोक लगा सकता है, परंतु उसे पूरी तरह माफ नहीं कर सकता।
कर सकता। उसे माफ तो कौन करेगा, उसे पूरी तरह माफ तो ये माफ तो राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर। देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, क्या क्षमादान की शक्तियां। तो क्षमादान की शक्तियों में हम देख रहे हैं कि राज्यपाल को जो राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कार्य करेगा, कोई दंड दिया गया है, क्या दिया गया है, दंड दिया गया है, तो राज्यपाल उसकी प्रकृति बदल सकता है, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है और उसे पूरी तरह माफ भी कर सकता है, कौन, राज्यपाल। परंतु हम देखें मृत्यु दंड के संबंध में, जो फांसी होती है इसके संदर्भ में देखें, तो राज्यपाल उसकी प्रकृति बदल सकता है, उस पर रोक लगा सकता है कुछ समय के लिए, परंतु उसे पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। उसे माफ तो कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। और ध्यान रखना अंतर ये कि राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के संदर्भ में कोई क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्षमा सैन्य न्यायालय होता है जो मार्शल लॉ वगैरह, उसमें राज्यपाल को कोई क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी, संघ सूची के विषय पर राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा, जो मृत्यु दंड है उसमें फेरबदल कर सकता है, कम कर सकता है, रोक लगा सकता है, प्रकृति बदल सकता है, परंतु उसे पूरी तरह माफ भी नहीं कर सकता। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि ये क्षमादान की शक्ति को संविधान में शामिल क्यों किया गया। देखो, संविधान में शामिल ये इसलिए किया गया क्योंकि बात करें कि जो न्यायालय होता है, देखो न्यायालय में जो भी फैसले होते हैं वो सबूत के आधार पर होते हैं, क्या होते हैं, सबूत के आधार पर होते हैं। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को दंडित किया गया है वो व्यक्ति अपने सबूत नहीं रख पाया हो, या न्यायालय से किसी भी तरह से कोई मिस्टेक हो सकती है, क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि भाई न्यायालय सबूत के आधार पर निर्णय देता है, उसकी आंखें पट्टी लगी हुई है, वो नहीं देख रहा ये व्यक्ति कैसा है, वो नहीं गया वहां पर जब उसने कोई भी अपराध किया, तो या उस पर केस झूठा लगाया गया, सही लगाया गया, तो न्यायालय वहां देखने नहीं जाता, न्यायालय तो साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय देता है। तो हो सकता है कि वो अपने साक्ष्य नहीं दे पा सका हो, या न्यायालय से कोई मिस्टेक हुई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये कहा गया है। दूसरा कि वो क्षमा कर सकता है, दूसरा ये कि भाई व्यक्ति से कोई गलती हो गई हो अचानक से या किसी भी तरीके से, तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए जीवन में सुधरने का, ठीक है। इस तरीके से संविधान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यायपालिका से हो सकता है, न्यायपालिका निर्णय सबूत के आधार पर देखती है, साक्ष्य के आधार पर देखती है, वो नहीं देती और कि भाई ये सही है गलत है, वो केवल साक्ष्य देखती है, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता ये सारी चीजें नहीं है, वहां उसकी आंखों से क्या लगी हुई है, पट्टी लगी हुई है, तो वहां गलती हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें सुधार किया जाए, इसलिए ये संविधान में इनका प्रावधान किया गया है। तो 72 के तहत राष्ट्रपति और 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अंतर हमने देखा तो तीन अंतर है, और तो ये हमारा संविधानिक प्रावधान है, वो राज्यपाल के संविधानिक प्रावधान हुए समाप्त। अब देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां, क्या देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां हैं उसी संविधान में वो देखेंगे। तो अगला हमारा, देखो राज्यपाल के संविधान के जो प्रावधान है वो समाप्त हुए, ठीक है ना। तो अभी जो टॉपिक बनता है वो है हमारा राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां। तो देखो इन शक्तियों को हम कई भागों में बांटे हैं, इन शक्तियों को हम अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इन शक्तियों को हम देखते हैं, देखो साहब, नंबर एक,
कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका या कार्यपालिका संबंधी कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधी संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। नंबर दो, नंबर दो विधायी, विधायी या बेटा व्यवस्था विकास संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां। मैंने बताया था जो आपको पहली क्लास, इसलिए दुखी क्योंकि अब मैं जो पढ़ा रहा हूं कि कार्यपालिका संबंधी विधायी शक्ति या न्यायिक शक्ति, तो ये क्या है? उस दिन बताया भाई कार्यपालिका क्या होती है, तो जो कार्यपालिका उस दिन बताई, अगर उससे संबंधित राष्ट्र पर राज्यपाल कोई कार्य कर रहा है तो कार्यपालिका संबंधी, विधायिका से संबंधित कर रहा है तो विधायिका संबंधी शक्ति, और न्यायपालिका से कर रहा है तो न्यायपालिका संबंधी शक्ति, तो विधायी शक्ति। अगली है न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। और नंबर चार वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। और नंबर पांच है नंबर पांच उसको है जो आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। और नंबर छह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्तों नंबर छह स्वविवेकीय शक्तियां, स्वयं विवेकीय शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां। और भी हो सकते हैं इनके अलावा, ये भी फिक्स नहीं है, अलग अलग तरीका है बांटने का। देखो मेरे दोस्तों, हम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं या कार्य हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटते हैं। वो नंबर एक कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कौन सी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका जो मैंने बताया कि कार्यपालिका में कौन है भैया, राज्य की कार्यपालिका में पहले दो राज्यपाल खुद है, प्रधान मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इनसे संबंधित, इनसे संबंधित राज्यपाल कुछ भी करेगा वो शक्तियां कौन सी कहलाएंगी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगे? कार्यपालिका संबंधी। विधायिका मैंने बताया था भैया, विधानसभा और विधान परिषद, इनसे संबंधित राज्यपाल जो कुछ भी करेगा वो अभी सारा पढ़ेंगे क्या क्या करेगा क्या क्या नहीं करेगा। तो इन विधायिका व्यवस्था विकास से, विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित जो कुछ भी करेगा वो कौन सी कहलाएंगी? विधायी शक्ति या व्यवस्था विकास संबंधी शक्ति कहलाएंगी। न्यायिक शक्तियां जो हाईकोर्ट से संबंधित और जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित या न्यायिक कार्य जो भी करेगा, न्यायिक कार्य जो भी करेगा वो कैसी शक्तियां कहलाएंगी? न्यायिक शक्तियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? न्यायिक शक्तियां कहलाएंगी। अब देखो, धन से संबंधित, मनी से संबंधित राज्यपाल जो कुछ भी कार्य करेगा, जो कुछ भी कार्य करेगा धन से रिलेटेड, वो सारी शक्तियां कौन सी कहलाएंगी? वित्तीय शक्तियां कहलाएंगी। अब आपातकालीन शक्तियां, तो देखो आपातकालीन शक्तियां क्या है वो अभी देखेंगे। केवल इतना है आपातकालीन शक्तियों में कि देखो, अगर किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, किसी राज्य में शासन का जो संचालन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या संविधान का क्या किया जा रहा है? उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या लगाया जाए? राष्ट्रपति शासन। तो सिफारिश करता है, बाकी राष्ट्रपति स्वयं विवेक से भी, राष्ट्रपति को लगता है
राज्यपाल सिफारिश भी नहीं करता है और राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पर जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो भी वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर तो ध्यान देने योग्य कि केवल सिफारिश करता है, क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि यहाँ पर क्या लगाया जाए, किस राज्य में सरकार को भंग करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही। अगली जो 6 नंबर की शक्तियां हैं उसको हमने देखा स्वयं विवेकीय शक्तियां, यानी संविधान के हमने अनुच्छेद 163 देखा था, उसमें स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो बाकी और भी बहुत सारी स्वयं विवेकी शक्तियां हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। तो ये राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं, अब इनको एक एक को हम चुन चुन के पढ़ेंगे। राज्यपाल की शक्तियों को हमने 5-6 भागों में बांटा। नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्ति, नंबर 2 विधायी शक्ति, नंबर 3 वित्तीय शक्ति, नंबर 4 न्यायिक शक्ति और नंबर 5 आपातकालीन और नंबर 6 स्वयं विवेकीय शक्तियां। कितनी, 6 भागों में बांटा। अब नंबर 1 पढ़ते हैं हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या कार्यपालिका शक्तियां। देखो आपको बता ही दिया कार्यपालिका में कौन कौन है, तो अब देखो साहब ये पढ़ते हैं। अब इनमें भी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियुक्ति संबंधी, किन किन की राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो इसमें भी हम नंबर 1 डालेंगे नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो देखो राज्यपाल नियुक्ति संबंधी शक्तियां, अब इसमें अब राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है उनको एक बार अनुच्छेद के साथ पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे जो अनुच्छेद है 164। देखो 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, किसकी, मुख्यमंत्री की, परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर करेगा। देखो राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति कर सकता है, परंतु किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना, किसे कौन सा पद देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, यह निर्धारण कौन करेगा, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री एक लिस्ट बना के देता है कि आप इन इनको मंत्री की शपथ दिलाइए, मंत्री बनाइए। तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री तो राज्यपाल बना सकता है, परंतु मंत्री किसे बनाना है ये निर्धारण कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, और मुख्यमंत्री सिफारिश कर देगा और उनको राज्यपाल मंत्री बना देगा। तो 164 कहता है कि राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है, तथा मुख्यमंत्री के कहने पर मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य राज्यपाल। तो देखो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। परंतु अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री के कहने पर किसकी करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है परंतु किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के सिफारिश करने पर मुख्यमंत्री किसको मंत्री बनाना चाहता है वो है। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि राज्यपाल किसे मंत्री नियुक्त करेगा। तो पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। तो देखो अगर किसी लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त है उसे मंत्री, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। परंतु मान के चलो किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो चुनाव से पहले गठबंधन हुआ है, चुनाव से पहले गठबंधन हुआ है उसको बुलाएगा। परंतु किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल यहां अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उसे एक निश्चित टाइम दे सकता है कितने टाइम में आपको लोकसभा में, सॉरी विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। और जो मंत्री, सॉरी जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति वो केवल केवल किसके कहने पर करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पर करेगा। किसके कहने पर करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पर। तो अनुच्छेद हुआ 164। इसके बाद नंबर दो, अनुच्छेद 165। देखो 165 हमने पहली क्लास को देखो जो सामान्य चर्चा की क्लास थी उसमें मैंने इसलिए सारी चीजें बताई ना। तो 165 में क्या है कि राज्यपाल जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का वकील होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल, राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य के, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये कौन होता है, सरकार का एडवोकेट होता है, नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री होना अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब इसके बाद देखो जो आरपीएससी है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, दोनों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख आपने देखा होगा कि जहां पर यूपीएससी का उल्लेख है वहीं पर किसका उल्लेख है, आरपीएससी स्टेट पीएससी। तो देखो हम देखते हैं इनको एक बार, समझते हैं तीनों को कि 316 में क्या क्या है। तो अनुच्छेद है हमारा 316 में। देखो एक तो मेरे दोस्तों 316 में जो उल्लेख है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा है इसी में स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग। इसी में एक है तीसरा जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको क्या कहेंगे, यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और जो एसपीएससी स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अलग अलग नामों में राज्यों ने अपने अपने नाम से बना लिया है, जैसे राजस्थान में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जैसे राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में यूपीपीएससी, एमपी में एमपीपीएससी। इस तरीके से अब ये जेपीएससी क्या है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब देखो था जो यूपीएससी होती है
यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी पूरे भारत के लिए प्रशासन की सेवाओं की भर्ती करती है। इनकी भर्ती तो केंद्र के नियंत्रण में होती है और ये सेवाएं कहां देते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में सेवाएं देते हैं। जो राज्य लोक सेवा है क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में ये भर्ती करता है और वहीं सेवा देते हैं। अब जेपीएससी क्या है इसको समझते हैं। देखो दो राज्य या अधिक राज्य आपस में क्या कर ले, समझौता कर ले, क्या कर ले, समझौता। कैसा समझौता, जैसे यूपी और राजस्थान आपस में ये समझौता करें कि हमारा जो लोक सेवा आयोग है, क्या है, लोक सेवा आयोग, वो दोनों के लिए एग्जाम कराएगा, हमारा जो दोनों के लिए एक ही संस्था होगी जो दोनों के लिए क्या कराएगी, सॉरी भर्ती कराएगी, चुनाव नहीं भर्ती कराएगी, तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त। तो जब यूपी और राजस्थान मिलकर के एक दोनों के लिए जो एक संस्था होगी उसे कहेंगे जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर। तो देखो यूपीएससी है, इस यूपीएससी के जो जिसमें है 1+10 इसमें एक सदस्य है, सो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। कौन है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। अब इनकी जो नियुक्ति करेगा अध्यक्ष और सदस्यों की, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा नियुक्ति, कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब जो स्टेट पीएससी होती है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो स्टेट पीएससी की नियुक्ति कौन करेगा, आरपीएससी की जो अध्यक्ष, और इसमें कितने हैं वर्तमान में आरपीएससी में अपनी में 1+7 एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। परंतु जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। देखो यहां कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि यूपी और राजस्थान ने मान के चलो दोनों ने बनाया है, दोनों ने एक समझौता करके एग्रीमेंट के तहत क्या राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि हम दोनों ही राज्य एक संयुक्त लोक सेवा आयोग चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उन दोनों के लिए संयुक्त लोक, सॉरी राष्ट्रपति दोनों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। अब देखो यूपी और राजस्थान दोनों का है, अब दोनों के अलग अलग राज्यपाल है मान के चलो, तो इनमें विवाद होगा कि हम नियुक्त करेंगे या हम नियुक्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संविधान में इसी अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना इसी अनुच्छेद में जो जेपीएससी है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आप ध्यान रखना यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, और जेपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। अब देखो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके जो अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को, और 18वीं कौन सकता है, राष्ट्रपति। अब हमारे यहाँ समस्या राज्य में एक बार आई थी 2016 में, हमीद गोराइन जब आरपीएससी के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखना त्याग पत्र आरपीएससी का अध्यक्ष राज्यपाल को देगा, परंतु ध्यान रखना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल हटा नहीं सकता, हटाएगा तो कौन, राष्ट्रपति ही हटाएगा। हमारे यहाँ जो हमीद गोराइन थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए पेपर लीक किया था, तो उन्हें हटाने का प्रयास किया, परंतु वो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, तो राज्यपाल महोदय उसे हटा नहीं सके थे, फिर बाद में उन्होंने खुद ही त्याग पत्र दिया था। तो आरपीएससी में कितने हैं, 1+7 का पैनल है 8 का, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, और आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य किसे त्याग पत्र देंगे, ये त्याग पत्र तो राज्यपाल को देंगे, परंतु इन्हें हटाएगा कौन, हटाएगा इन्हें कौन सा, राष्ट्रपति महोदय। इस तरीके से हमने किसको देखा, यूपीएससी को देखा, आरपीएससी को देखा और जेपीएससी को देखा। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद हुआ 316, कौन सा हुआ 316। इसके बाद देखो
अगर हम बात करें नियुक्ति संबंधी में, तो राज्यपाल अगर हम बात करें अनुच्छेद 331, तो अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत जिस राज्य में क्या है, विधान परिषद है, सॉरी क्या है, विधानसभा है। विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में होगी, तो इसमें जो प्रावधान था बोल रहा हूं, है नहीं अभी, इसे 104वे के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया है, समाप्त कर दिया गया है। तो क्या प्रावधान है 333 में? प्रावधान ये है कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। उदाहरण में तो देखो 333 में प्रावधान था कि अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में कोई आंग्ल भारतीय सदस्य चुन के नहीं आया है, तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। परंतु हमने देखा कि 104वा संविधान संशोधन, अभी लेटेस्ट यही है, 104वा संविधान संशोधन 2020 में जब आरक्षण की लिमिट बढ़ाई गई थी 2020 से 2030 किया गया था, तो आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण था उसकी लिमिट नहीं बढ़ाई है, बाकी एससी एसटी की जो लिमिट है वो तो 2025 जनवरी 2030 तक कर दी है, परंतु जो आंग्ल भारतीय थे जो विधानसभा और लोकसभा में मनोनीत होते थे उनकी लिमिट नहीं बढ़ाई है। तो 104वा संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई है, इसकी अवधि भी बढ़ाई नहीं गई है, और ये अवधि समाप्त कब हो गई, और यह अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई। तो देखो हमारे यहाँ जो आरक्षण का प्रावधान था, तो उस आरक्षण में जो अनुच्छेद था 334, उसमें ये स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया गया था, परंतु इसे आगे बढ़ाते रहे, तो इसमें आंग्ल भारतीयों को भी आरक्षण था। अलग अलग अनुच्छेद में देखो, एक बार ही समझो, देखो यहां से ये टॉपिक थोड़ा देखो नंबर वन जो लोकसभा में आरक्षण था, इसी आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई है,
जो नौकरियों में आरक्षण है उसकी अवधि तो फिक्स है, उसकी अवधि कोई नहीं बढ़ाने नहीं घटाने नहीं है। तो लोकसभा में जो आरक्षण है वो दो तरीके का है, एक है अनुच्छेद 330, कौन सा है 330, दूसरा है अनुच्छेद 333, कौन सा है 331, 331। तो देखो जो 330 है ये कहता है कि लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण है। किसको आरक्षण है? एससी एसटी को आरक्षण है। किसको है? एससी एसटी को आरक्षण। और जो 331 है, क्या है 331, ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय भारतीयों को आरक्षण था। क्लियर। दूसरा, लोकसभा के बाद हम देखते हैं विधानसभा। तो देखो विधानसभा में भी इसी तरीके का, विधानसभा में हम बात करें तो नंबर एक जो अनुच्छेद है 332, और इसमें जो आरक्षण है विधानसभा में किसको? एससी और एसटी को। किसको? एससी और एसटी को। और जो अगला है जो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 333, इसमें किसको है? आंग्ल भारतीय। अब कई तो ये सोच रहे होंगे आंग्ल भारतीय क्या है, अभी बताते हैं। आंग्ल भारतीयों को आरक्षण, ठीक है। अब देखो तो एक अनुच्छेद है 334, तो अनुच्छेद जो 334 है इसमें है अवधि। क्या है? अवधि। तो स्टार्टिंग में कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्ष के लिए। अभी इसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 80 वर्षों के लिए कर दिया गया है, यानी 2030 तक के लिए कर दिया गया है। अब देखो इसकी तो अवधि बढ़ा दी, यानी 330 की अवधि बढ़ा दी, 331 की नहीं बढ़ाई, और 332 की भी क्या कर दी? अवधि बढ़ा दी, और 333 की अवधि नहीं बढ़ाई। यानी जो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को एक मनोनीत करता था उसकी अवधि नहीं बढ़ाई, यानी 25 जनवरी 2020 को क्या हो गया? अवधि समाप्त हो गई। और जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन था उसकी भी अवधि क्या हो गई? समान। तो अवधि कौन से अनुच्छेद में? 334 में। तो इसे हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखना जो नौकरियों में आरक्षण है अनुच्छेद 1516 उसकी अवधि नहीं बढ़ाई है। अवधि जो राजनैतिक आरक्षण है, ये कैसा आरक्षण है? राजनैतिक, तो इसकी अवधि बढ़ाई है। ये करंट का भी है और काफी इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अब लोकसभा में ना तो अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत होंगे और ना ही जो विधानसभा में जो एक सदस्य मनोनीत करता था राज्यपाल वो मनोनीत होंगे। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड में समझा देता हूँ। देखो जब हमारा देश आजाद, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो कौन आए? अंग्रेज पुरुष आए, और अंग्रेज यहाँ शासन करने लगे तो उन्होंने भारतीय महिलाओं से क्या की? शादी। उसके बाद जो संतानें हुई, अब उसके बाद 47 में अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो उसमें से कुछ लोग यहाँ रह गए, उनको भारत अच्छा लगा तो वो कहलाए आंग्ल भारतीय। और देखो आंग्ल भारतीय मतलब पिता तो क्या हो गया? यूरोप का विदेशी, और माता क्या हो गई? भारतीय। माता या वो जो दादी होगी, जो भी हो सकती है, माता भी दादी परदादी, तो जिसके माता भारतीय हो और पिता विदेशी यूरोप का हो, पिता तो विदेशी होगा क्योंकि अंग्रेजी आए यहाँ शादी करने के लिए, और माता क्या होगी? भारतीय, वो क्या कहलाए? आंग्ल भारतीय कहलाए। अब ऐसे सदस्यों का समुदाय बहुत कम होगा, अब वो चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव जाति धर्म के क्षेत्र के आधार पर होता है और उनकी संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इसलिए उनको यह आरक्षण दिया गया था, और वर्तमान में इस आरक्षण को खत्म नहीं किया है,
इसकी अवधि नहीं बढ़ाई है। बाकी जो लोकसभा में आरक्षण है अनुच्छेद 330 और जो विधानसभा में आरक्षण है उसकी अवधि बढ़ा दी है। और ध्यान रखना राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है, केवल आरक्षण कहाँ है विधानसभा और लोकसभा में। और इस तरीके से ये क्लास होती है समाप्त और अगली चर्चा करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।